आज हम डायनेमिक मेमोरी वर्कशॉप के पार्ट 3 में हिस्टोरिकल वार के बारे में पढ़ेंगे। ये स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, यूनिवर्सिटी के बच्चे सीख सकते हैं। सबकॉन्शियस माइंड, कॉन्शियस माइंड, दो प्रकार के माइंड होते हैं। कॉन्शियस माइंड 10%, सबकॉन्शियस माइंड 90% होता है। हम सबकॉन्शियस माइंड का यूज करके किसी भी कंटेंट को फास्ट, बिना थके याद कर सकते हैं। कॉन्शियस माइंड से स्ट्रांग होता है सबकॉन्शियस माइंड। जैसा कि पिछले में हमने पढ़ा था कि किसी का मेमोरी ना तो स्ट्रांग होता है ना तो वीक होता है, वह केवल ट्रेंड या अनट्रेंड होता है। ट्रेंड मेमोरी कैन डू एनीथिंग। पिछले क्लास में मैंने लॉ और मेथड के बारे में पढ़ा था, इसमें मैं अब हिस्टोरिकल वार के बारे में पढ़ेंगे और याद करेंगे। इस पार्ट में भी फोनेटिक्स मेथड ही यूज किया जाएगा। आप लोगों को कोड याद हो गया होगा, इसलिए मैं कोड को रिपीट नहीं कर रहा हूं। अब अपने टॉपिक पर आते हैं, ध्यानपूर्वक सुने और समझें। हिस्टोरिकल बार के ईयर को फाइंड करने के लिए यदि कोड 2 डिजिट का आता है तो उसके पहले 15 लगाते हैं, यदि 3 डिजिट का आता है तो उसके पहले 1 लगाते हैं। जैसे हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, हल्दी का घाटी को हम हल्दी से याद करेंगे। हल्दी हम केजी के हिसाब से लेते हैं, के का 7 होता है, जी का 6 होता है, अतः 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, यानी 1576 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, बक्सर से हम तक पहुंचने के लिए हम बॉक्सर शब्द लेते हैं। बॉक्सर मेरा मित्र है जो सिगार पीता है। सिगार का कोडिंग करने पर सी का 7, आई का नहीं होता है, जी का 6 होता है, ए का नहीं होता है, आर का 4 होता है। 3 डिजिट का आया है इसलिए 1 चिपका देंगे, 1764 डेट होगा। इसी प्रकार किसी भी युद्ध को हम याद कर सकते हैं। और डिटेल जानकारी के लिए ज्वाइन ब्रेन बूस्टर स्कूल 9453081534। धन्यवाद।